और बात करेंगे सियासत की, जहां पर बीजेपी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की एक-एक विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। इन तीनों सीटों पर 3 नवंबर 2022 को मतदान होना प्रस्तावित है। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा है, तो वहीं तेलंगाना के मुनुगोड़े सीट से कोमता रेड्डी रोज गोपाल रेड्डी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की गोला गाकरनाथ सीट से बीजेपी ने अमन गिरी को उपचुनाव में मैदान में उतारा है। हरियाणा की आदमपुर सीट से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य को मिला टिकट। तेलंगाना की मुनुगोड़े सीट से भाजपा ने कोमाती रेड्डी को दिया टिकट। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट से दिवंगत विधायक के बेटे को भी मिला टिकट। आपको बता दें कि इस साल जुलाई में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने आदमपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था, इस कारण यहां उपचुनाव कराना पड़ रहा है। अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते भव्य इस सीट को भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भव्य वर्ष 2019 में कांग्रेस के टिकट पर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें भाजपा के ब्रजेंद्र सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। भव्य को 1,84,000 वोट मिले थे और वे तीसरे नंबर पर रहे। वर्ष 1968 से लेकर 1982 तक भजनलाल आदमपुर सीट से विधायक रहे। उनके बाद उनकी पत्नी चश्मा देवी भी यहां से चुनाव लड़े। कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी यहां से चुनकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। तेलंगाना के मुनुगोड़े विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक कोमाति रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के 2 अगस्त को विधायकी से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। कोमाति रेड्डी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। भाजपा ने उन्हें इसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने उपचुनाव में कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी के मुताबिक सीएम के चंद्रशेखर राव ने सर्वे रिपोर्ट, कार्यकर्ताओं के साथ लगाव और क्षेत्र में जमीनी पकड़ के आधार पर कुसुकुंतला को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। मुनुगोड़े उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा और टीआरएस दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं कर चुके हैं। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी बीते दिनों यहां एक रैली की थी। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई है। भाजपा ने यहां होने वाले उपचुनाव के लिए दिवंगत विधायक के पुत्र अमन गिरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस नवगठित विधानसभा सीट पर पहली जीत सपा के लिए विनय शंकर तिवारी ने दर्ज की थी। वर्ष 2017 में सपा ने विनय पर फिर से भरोसा जताया, लेकिन भाजपा की लहर में अरविंद गिरी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से ये सीट भाजपा के पाले में चली गई और अरविंद गिरी ने 29,294 वोटों के अंतर से विनय शंकर तिवारी को चुनाव हरा दिया। समाजवादी पार्टी ने फिर से विनय को ही इस सीट से मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि विनय शंकर तिवारी पूर्व विधायक हरी शंकर तिवारी के बेटे हैं। एमके न्यूज की विशेष रिपोर्ट।